नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज मैं आपको हल्दी के बारे में बताऊंगा, आपने हल्दी को कैसे लगाना है। तो कल शाम को हमारे यहाँ पर ढेर सारी जो है बारिश हुई और उसमें मेरे सारे प्लांट्स जो है भीग गए और कई सारे प्लांट्स अभी खिल उठे हैं। तो मैंने पहले भी हल्दी पर जो है वीडियो बनाया था, तो आप वो ज़रूर देखिए। बट आज मैं अब उसका राइट टाइम हो गया है लगाने का, तो मैं आपको पहले मेरे हल्दी के प्लांट जो है दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ये प्लांट मेरे देख सकते हैं हल्दी के, ये आपने देखा, तो ये मैंने हल्दी के जो है बल्ब्स लगाए थे, वो ट्यूबर्स जो है राइजोम वो मैंने लगाए थे। अब ये ग्रो हो चुके हैं, वो राइजोम्स मैंने दिसंबर में ही ला के जो है लगा दिए थे और फिर वो अब ग्रो कर रहे हैं। ये आपने देखा, इनकी ग्रोथ मई में स्टार्ट हो चुकी थी। तो सबसे पहले तो आपने गीली हल्दी जो है बाज़ार से ख़रीद के लानी है। तो गीली हल्दी जो है आप बाज़ार में जाइए, सब्ज़ी वाले के पास आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आपने गीली हल्दी ख़रीद के लानी है। तो ये देखिए, ये मैंने कल थोड़ी सी गीली हल्दी है, ये मैंने शायद 250 ग्राम की ये मैंने ख़रीद के लाई है। आपने देखा ऐसे। तो फिर इस हल्दी को आपने फिर लाने के बाद रात भर इसे आपने पानी में भिगो के रख देना है, क्योंकि वो जो हल्दी उन लोगों के पास होती है, उन्होंने वो एक साल पहले जो है निकाल कर रख दी होती है। तो फिर कई सारी हल्दी जैसे कि ऐसे ही सूख हो जाती है, ये आपने देखा सूखी हुई है। तो ये सारे, इनका साइज़ अब डबल से ज़्यादा हो चुका है, कल ये बहुत ज़्यादा सूखे हुए थे। तो अब जो है ये गीली हल्दी है, बस उसका वो थोड़ी सुरकुती है, उस पर रिंकल्स आ जाती है उस पर ऐसे। तो दोस्तों आप ये देख लो, ये मैंने और जो है इनमें ये बड्स निकले हुए हैं, हल्दी जो है मैंने इनको साइड में निकाल लिया है, ये आपने देखा। तो ये देखिए इन राइजोम्स पर देखिए न्यू ग्रोथ अभी स्टार्ट हो चुकी है, अब मैं इनको लगाऊंगा तो ये आ जाएंगे। तो मैंने राइजोम्स भिगोने का आपको क्यों कहा था, क्योंकि जो है जब आप इसके राइजोम्स भिगोओगे तो ये अच्छे से वेल सैचुरेटेड हो जाएंगे और फिर इनमें से न्यू ग्रोथ होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने आपको इन्हें भिगोने के लिए कहा। तो मिट्टी इसे कैसी चाहिए हल्दी को, तो इसकी मिट्टी जो है वेल ड्रेंड होनी चाहिए और उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होना चाहिए। मिट्टी ऐसी आपकी हार्ड और सख्त ना हो, वरना आपके राइजोम्स अच्छे से नहीं ग्रो हो पाएंगे। पोरस मिट्टी इसके लिए चाहिए। तो उसके लिए आप दो पार्ट सॉइल, एक पार्ट कंपोस्ट और उसमें से आधा पार्ट जो है थोड़ा उसमें बालू रेत मिला लो। तो लगाना कैसे मैं आपको वही अभी बताऊँगा। तो फिर सबसे पहले तो आपने ऐसा कोई कंटेनर ले लेना है, उसमें आपने जो मैंने बताया मिट्टी बनाने का तरीका, उसमें वैसी मिट्टी आपने भर देनी है। उस मिट्टी को अच्छे से आपने उकेर लेना है और फिर उसमें आपने राइजोम जो लगाने हैं। ये जो इसका बड्स का सिरा है, इसको आपने ऊपर रखना है ऐसे। जो भी इसके बड्स हैं ऐसे, इनको आपने ऊपर रखना है। थोड़ा इन्हें अंदर दबा देना है, मिट्टी के अंदर जो है, फिर ये अच्छे से ग्रो हो पाएंगे ऐसे। फिर ये आपको इसने मिट्टी से जो आपने इसको कवर कर देना है। मिट्टी आप मेरी देखिए, बारिश की वजह से भीग गई है, लेकिन ये अभी भी कितनी पोरस बनी हुई है ऐसे। तो दोस्तों, अगर आप बर्ड्स निकले हुए जो है राइजोम्स ऐसे अगर आप लाओगे, तो फिर उनमें ग्रोथ जो है जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। अगर तो आप जो है बिना बर्ड्स निकले राइजोम्स अगर लाओगे, तो फिर उनमें ग्रोथ होने में थोड़ी सी देरी भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, होप करता हूँ आपको मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा और मैंने सब बता दिया है। हाँ, इन्हें सनलाइट जो है, इन्हें पार्शियल शेड चाहिए। ये इनडायरेक्ट सनलाइट में अच्छे से ग्रो करते हैं, एकदम फुल सन में रखोगे तो फिर इसके पत्ते जो है जल जाएंगे।
और फिर इन्हें पानी भी थोड़ी मिट्टी सूखने के बाद ही देना है। अब बारिश में तो हर रोज़ पानी पड़ेगा, तो इसकी वजह से आपकी मिट्टी को आपने वेल ड्रेन्ड जो है बनाए रखना है। फर्टिलाइज़र तो कुछ नहीं, आपने मिट्टी में कंपोस्ट मिला दी है तो उसमें ही फर्टिलाइज़र इसका हो जाएगा। बस मिट्टी आपकी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, होप करता हूँ आपको मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि हल्दी को आपने कैसे लगाना है। तो लाइक ज़रूर कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद।